सिंहस्थ क्षेत्र में होने वाले अतिक्रमण, अवैध निर्माण से परेशान प्रशासन, सिंहस्थ क्षेत्र की जमीन स्थायी तौर पर साधु संतों को देने के प्रस्ताव पर काम कर रहा है। बस इसके लिए बायलॉज में थोड़ा परिवर्तन करना होगा। दरअसल हर 12 साल में लगने वाले सिंहस्थ की व्यवस्था करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। सिंहस्थ के एक साल पहले से प्रशासन जमीन अधिग्रहित करना शुरू करता है और सिंहस्थ होने के बाद जमीन फिर से किसानों को लौटा देता है। इस बीच अपनी जरूरत अनुसार किसान या जमीन मालिक निर्माण कर लेते हैं। यूं तो सिंहस्थ क्षेत्र में निर्माण प्रतिबंधित है, बावजूद लोग निर्माण करने से नहीं चूकते। हर बार सिंहस्थ क्षेत्र में होते निर्माण के कारण खड़ी होती समस्या को देखते हुए प्रशासन स्थायी तौर पर जमीन साधु संतों को देना चाहता है। इसके लिए साधु संतों से बात की जा रही है। बस इसके लिए बायलॉज में संशोधन करने की जरूरत होगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे लागू किया जा सकेगा। सूत्रों के मुताबिक प्रशासन चाहता है कि साधु संत अपने कैंप की जगह के अनुसार किसानों से जमीन की खरीदी कर लें और इस जमीन को अपने उपयोग अनुसार तैयार करवा लें। जैसे जमीन की बाउंड्री वॉल बनवा लें, इसमें चाहे तो अपने अनुसार कमरे बनवा लें और चाहे तो खुला एरिया रख लें, चाहे तो साधु संत इन जमीन पर अपने उपक्रम भी चला सकते हैं। प्रशासन ने साधु संतों से बात करने के लिए एक सेवानिवृत्त संयुक्त कलेक्टर को लगाया है। प्रोटोकॉल से जुड़े रहे इन अधिकारी की साधु संतों में गहरी पैठ है। ऐसे में माना जा रहा है कि वह साधु संतों को जमीन की खरीदी करने के लिए तैयार कर लेंगे। ऐसा अगर हो गया तो सिंहस्थ क्षेत्र में अतिक्रमण पर अपने आप रोक लग जाएगी। यहाँ खेती करने वाले किसान भी अपनी जमीन की अच्छी कीमत मिलने पर कहीं और जमीन खरीद कर लेंगे।